हेलो गाइस गाइस, CUET के स्कोर रिलीज़ हो चुका है, यानी रिजल्ट आ चुका है। तो आपको रिजल्ट कैसे देखना है, आपकी परसेंटाइल क्या है, इन सब से लेके मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो, आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, CUET.smart SAMART.ac.in। आपको ये वेबसाइट विजिट करनी है। जब वेबसाइट विजिट करोगे तो नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर जो CUET का था वो फिल करना, और आपने जो पासवर्ड बना रखा होगा वो फिल करना, बाकी कैप्चा कोड तो मैं एक बार कर। अब जब गाइज आप लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। देखो आपका डाउनलोड प्रिंट कंफर्मेशन पेज, प्रिंट एडमिट कार्ड, डाउनलोड प्रिंट रिजल्ट कार्ड। तो आपको यहाँ डाउनलोड प्रिंट रिजल्ट कार्ड पे क्लिक करना है। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ दोबारा से एक बार और। मैंने डाउनलोड कर लिया है, ऊपर जो है वो सारी पर्सनल डिटेल है, इस वजह से मैं शो नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आपके परसेंटाइल में जो लिखा हुआ है, देखो आपके इंग्लिश के जो स्कोर है वो परसेंटाइल स्कोर में अगर मैं बताऊँ तो 86.18% है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ तो 72, इकोनॉमिक्स 86, मैथमेटिक्स 61, जनरल टेस्ट 68। तो ये आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको, और तो ये सारी आपकी चीज़ें आ जाएंगी। अब मैं नीचे आऊँ, देखो यहाँ लिखा है दिस इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे आपकी जो परसेंटाइज कैसे निकाली इन्होंने, देखो लिख भी रखा, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट हैव बीन कैलकुलेटेड एज फॉलो, यानी 100 की जो इन्होंने मल्टीप्लाई करी, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर इन द सेशन, ठीक है, जो टोटल अपेयर हुए थे, और विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन कैंडिडेट, ठीक है, और अपॉन में इन्होंने रखा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर इन दिस सेशन, ठीक है, जो सेशन में अपेयर हुए थे। अब यहाँ पे इन्होंने परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके मैक्सिमम मार्क्स, देखो चौथा पॉइंट अगर आप देखते हो तो लिखा है सेशन पेपर आर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल हु आर अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, द रो मार्क्स ऑप्शन आर ट्रांसफॉर्म एंड इनटू नॉर्मलाइज स्कोर एंटी स्कोर रैगिंग 200 to -14 इन सब्जेक्ट अदर। देखो आपके जो है 200 या तो 200 आएंगे या तो -40 आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी यही स्कोर है, और एक चीज़ जो सबसे बड़ी अपडेट है, आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आ जाएगा। जैसे इस लड़के ने, इस बच्चे ने क्या कर रखा है, यूनिवर्सिटी लिस्ट में खाली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिल कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके रिजल्ट के नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ चुकी है लिखी, ठीक है गाइज। अब ये गाइज मैं दूसरा स्कोर दिखा रहा हूँ एक लड़की का, इसमें लिखा है देखो इंग्लिश में जो 40% है, 36 है, 47 है, 40, ये परसेंटाइल इसके बहुत कम है, देखो बहुत कम आए, ठीक है। अब यहाँ पे इन फिगर में भी इन्होंने लिख रखा है, परसेंटाइल स्कोर में भी दे रखा है, ठीक है, नॉर्मलाइज भी बता रखा है इन्होंने। बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसने भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में खाली DU को चूज़ करा है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, ठीक है। अब आपको सबसे पहले मैं बता दूँ जो DU के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखो आपने CUET तो फिल कर दिया, CUET का पेपर दे गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अब आपको क्या करना है, CSAS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो उसे रजिस्ट्रेशन करो CSAS के पोर्टल पर। बाकी मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन और कुछ पॉइंट्स उसमें बता रखे हैं मैंने CSAS के, मेरे प्लेलिस्ट पढ़ी है चैनल पर, आप उसे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, एक बार पढ़ लेना उसे आप लोग, ठीक है। बुलेटिन मैंने पढ़ के बता रखा है थोड़ा बहुत जो भी है, जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है गाइज। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर फ्रीली पूछ सकते हो।